प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था किसके बारे में, थ्री एलो टॉप्स, थ्री एलो टॉप्स में से कार्बन के बारे में देख लिया था। आज हम देखेंगे ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन। ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेस गिविंग हेक्सागोनल एरे। कैसा एरे रहता है इसका? हेक्सागोनल एरे। वन ऑफ दिस बॉन्डेड इज द डबल बॉन्ड एंड दस The valency of the carbon is satisfied. Okay, तो valency इसकी satisfied है। Graphite structure is formed by hexagonal array. तो दिखाया हुआ है ये hexagonal, ये hexagonal, ये hexagonal, ये hexagonal। तो hexagonal array दिखाया हुआ है being placed in the layer one above another. तो एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, ऐसे layer आपको दिखाया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट इज द स्मूथ एंड स्लिपरी। कैसा है? स्मूथ एंड स्लिपरी। द डेंसिटी ऑफ द ग्रेफाइट इज लोअर देन द डायमंड। तो डायमंड से इसका, इसकी डेंसिटी कम है, उसमें था 3.51, इसका है 2.22। इन ग्रेफाइट थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर यूज फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, एज रिजल्ट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो सकती है। फिर थर्ड एलोट ऑफ फुलरिन, फुलरिन, फुलरिन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोटॉप्स। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C16 विच हैज कार्बन एटम्स अरेन्ज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। तो फुलरिन में जो कार्बन के जो एटम्स रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? तो फुटबॉल के फॉर्म में रहते हैं। सिंस दी लुक्स लाइक अ, वो कैसा शेप है इसका? जियोडेजिक, जियोडेजिक डम। कैसा है? जियोडेजिक डम। डिजाइन बाय, किसने डिजाइन किया हुआ है? बाय यूएस आर्किटेक्चर बक मिनिस्टर फुलर। किसने? बक मिनिस्टर फुलर ने बनाया हुआ है। तो उसके कारण उसका नाम क्या दिया है? फुलरिन दिया हुआ है। क्या नाम दिया है? फुलरिन। तो फुलरिन, तो फिर से फुलरिन में कितने कार्बन रहते हैं? 60। तो इसके लिए उसका फर्स्ट, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या दिया है? C60 कार्बन। ओके, फिर विच हैज अ कार्बन एटम अरेन्ज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। तो ये फुटबॉल के शेप में दिखाया है, देखो वन, बहुत ही कनेक्टिविटी दिखाया है, एक के साथ में एक दो तीन। ओके, यहाँ पे एक के साथ में एक दो तीन, तो तीन 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 करके ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है किसका? फुलरिन का। और फुलरिन का स्ट्रक्चर कैसा है? फुटबॉल जैसा। कैसा स्ट्रक्चर है? फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। और इसको जो फाइंड आउट किया है वो यूएस के जो आर्किटेक्चर था बक मिनिस्टर फुलर, उसने किया हुआ है। तो उससे उसका नाम क्या बनाया हुआ है? फुलरिन। उससे उसका नाम क्या दिया है? फुलरिन। ओके, तो यहाँ पे तीन अलग अलग एलोटॉप्स हो गए किसके? कार्बन के। तो कार्बन का फर्स्ट था डायमंड, सेकंड हो गया ग्रेफाइट और थर्ड है फुलरिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनके तीन एलोटॉप्स बताओ, तीन एलोटॉप्स में से कोई भी दो के बारे में लिखो या तो तीनों के तीनों बारे में लिखो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। टेक्स्ट के क्वेश्चन है पेज नंबर 61 पे, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन आर फॉलो। तो यहाँ पे क्या है? CO2 का, CO2 के बारे में दिखाना है हमको। तो CO2 में फर्स्ट C के बारे में लिखेंगे, तो C में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? C मीन्स C6, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में K में आएंगे 2 और बाकी कितने बचे? L 4, तो L में आ जाएंगे 4। वैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 है तो 2 6, तो K में आ जाएंगे 2 और L में आ जाएंगे 6। तो यहाँ पे कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, यहाँ पे दिखाया हुआ है। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6, तो वो भी दिखाया हुआ है। तो कार्बन के, ऑक्सीजन के देखो CO2, तो O दो बार आएगा, तो यहाँ पे भी O दिया है, यहाँ पे भी O दिखाया है। C एक ही बार है तो C एक बार आएगा, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 6, तो यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाया हुआ है। देखो O में भी, यहाँ पे टोटल बॉन्डिंग करेंगे तो O में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो O में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और C में भी देखो, यहाँ पे भी C में ये लेफ्ट साइड पे 4 और राइट साइड पे 4, तो यहाँ पे भी 8 हो गए। और ऑक्सीजन में भी ये बाहर के साइड 4 दिखाया और अंदर 4, तो तीनों में 8 8 आ गए। ओके, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो O और C के बीच में लेफ्ट साइड में भी डबल बॉन्ड और C और O के बीच में राइट साइड में भी डबल बॉन्ड। फिर क्या दिखाया? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सल्फर विद द मेड अप ऑफ द 8 एटम ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, तो सल्फर में C16 होता है, तो C16 का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो ऐसे बोर्ड के जैसा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिखाया हुआ है। तो एक का, एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड में दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ओके, तो ये आपको दिखाया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। ओके, ये रिंग शेप में है और ये बोट शेप में। ओके, तो ऐसे करके आप सल्फर को अरेंज कर सकते हो।